देखिए अभी जो है हम लोग मतलब मंत्री जी है आपका सरकार में मंत्री है उनके आवास पे आए हुए थे और मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि नाम बताने के बाद शायद उस पर कार्रवाई हो जाएगी उन पर। उनके जो बहुत करीबी आदमी थे उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया है कि ये जो नियमावली बना है इससे पहले सबको पता था कि इसका विरोध होगा, इसीलिए ये जानबूझ के कल लाया गया है। और नीतीश कुमार बिहार से बाहर चले गए, शिक्षा मंत्री साहब मिलने से इनकार कर दिए क्योंकि उनको सख्त निर्देश है कि ना ही मिलना है ना इस पर टीका टिप्पणी कुछ करना है, बस इसको कुछ दिन इसको किसी तरह शांति से जो है इसका सिर्फ देखना है क्या रिएक्शन होता है। और अगर सब चीज ठीक रहा है 2-4-5 दिन में देखिए माहौल गर्म रहेगा, उस दरमियान ठीक से अपने आप को भी कर देना है। अगर हो गया तो ये मतलब कंटिन्यू रह जाएगा। और इसी कारण आप देखिए अभी शिक्षा मंत्री के आवास पे भी पुलिस तैनात कर दिए हैं, आरजेडी कार्यालय के पास भी पुलिस तैनात कर दिए हैं और शिक्षा मंत्री मिलने से भी इनकार कर दिए हैं। मुख्यमंत्री बिहार से बाहर चले गए हैं और ये लोग को मैं ये भी सुनने में आया कि इसमें विभाग के जो सेक्रेटरी है या विभाग के जो भी आपका जो बड़े बड़े पदाधिकारी उसको निर्देश दिया गया कि इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, बस एग्जाम होनी चाहिए और आयोग के द्वारा एग्जाम होगा ऐसा आप लोग बनाइए, इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं, इस पे ना ही किसी का राय लिए हैं और ये 2-3 आदमी ये जो है डिसाइड किए हैं। और इसमें मुख्य मतलब जो शिक्षा मंत्री है वो एकदम पूरे तरह से मतलब न्यूट्रल बने रहे हैं, ना ही वो एग्जाम के पक्ष में बोले हैं कुछ और ना ही वो जो है एकेडमिक और आपका पात्रता परीक्षा के, वो सिर्फ उनको सिर्फ मिला गया मतलब आदेश मिल दिया गया कि नहीं ऐसे ऐसे होना चाहिए, उसमें उन्होंने कोई हस्तक्षेप भी नहीं किया है और उन्हें वो सिर्फ जो है सिर्फ एक मूर्ति टाइप का बने रहे। और इस पे ऊपर से निर्देश है मुख्यमंत्री लेवल का और उससे उसके जो बहुत करीबी है वो लोग मिल के ये चीज को डिसाइड किए हैं क्योंकि वे भी बहुत विधानसभा में डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ ये लोग बहुत सारा बात उठाए हैं उन्हों इसीलिए वो लोग आयोग के द्वारा परीक्षा का प्रावधान करवाती है। इसके पीछे 2-3 कारण ये लोग स्पष्ट कर रहे हैं कि लोग बैठ के ये डिसाइड किए हैं। एक तो जो बहुत सारे जो फर्जी टीचर हैं उसको कंट्रोलिंग करने के लिए ये आयोग के द्वारा ये एग्जाम ले रहे हैं। दूसरा जो है ये लोग जान रहे हैं कि वेतन बढ़ाने के नाम पर कोई 4200 ग्रेड पे आपको नहीं मिलने वाला है, आपको जो है जो वेतन मिल रहा है उसमें थोड़ा बहुत जो है इजाफा कर देंगे और लोग जान रहे हैं कि इजाफा करेंगे और जो जो नियोजित टीचर का जो आएंगे इसमें कुछ टीचर आएंगे ही तो उसका जो सीट खाली होगा तो वो ऑलरेडी जो है उनका वेतन जो पैसा जो है इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो ये लोग पूरा प्लानिंग बनाया है कि हम लोगों को कुछ मतलब राज्य कोष में भी कोई दबाव भी नहीं पड़ेगा और आयोग के द्वारा परीक्षा भी ले लेंगे हम लोग और एक लंबा समय भी खिंचाएगा। सबसे मेन मुद्दा इसी पे बात की है कि देखिए अभी एकदम प्रोसेस स्टार्ट कीजिए, अभी सडनली तुरंत अभी बहाल करना संभव नहीं है, अभी बहुत सारे टीचर को बहाल किए हैं, एक प्रोसेस ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा लंबा चले और ये सब सारा डिसाइड करके लोग यही सारे निर्णय लिए हैं। और एक साथ ये भी बोले हैं कि भाई 5-7 दिन जो है शुरुआत के 5-7 दिन अगर सब चीज ठीक रह गया, ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना, सख्त निर्देश है सभी मंत्री लोग, इसलिए आप देखिए कोई 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 टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं लोग, कोई अपना स्पष्टीकरण नहीं बता रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि लोग 2-4-5 दिन का ही माहौल वो देखना चाहता है कितना गर्माता है, अगर इसी बीच अगर हम लोग अगर इस पर टूट पड़ेंगे तो निश्चित रूप से ये बदल देगा इस चीज को। और एक बात उन्होंने बताया है कि शिक्षा मंत्री को खास करके इस पे मतलब एक दबाव डाल के बोला गया कि आप थोड़ा सा बयानबाजी से बचिएगा और माहौल को मतलब बिगड़ने नहीं दीजिएगा, इसीलिए उन्होंने और उनको स्पष्ट कहा कि भाई आप पे सवाल ये उठेंगे एग्जाम को लेके कि आप एग्जाम नहीं होंगे इसके लिए टिक दिए हैं तो इस पे आप कुछ बोलना ही नहीं है, इसीलिए देखिए और ये एकदम एकदम सही भी दिख रहा है क्योंकि देखिए वो जब निकले कैबिनेट से बाहर तो वो उनसे पूछा गया कि एग्जाम का प्रावधान होगा तो उन्होंने बताया था हाँ एग्जाम होगा, जो नियोजित टीचर है उसके लिए जो फ्रेश कैंडिडेट है उनके लिए एक बोले कि हाँ सबका एग्जाम होगा, सब आप जो है बहाली एग्जाम के थ्रू ही होगी, सबको आप एग्जाम ही देगा, एग्जाम के मैटर में सिर्फ नियोजित टीचर का ही उन्होंने हवाला दिया था। तो ये पूरा